कैसा लग रहा था आज फिर सुपरब रोड में निकला है? बहुत बढ़िया है, ये हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम है और हर साल आगे इसी तरह, ये तो कम है अभी, आगे चलते जाइए, अगले साल से 2024 में हमारा सरकार जेबीकेसेस का बनेगा और इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए। और ये है आज दो दिशा से हमारा टीम आ रही है जेबीकेसेस का, अगले साल चारों दिशा से हमारा टीम जो आम भगवान है रोड़े में क्यों था गांव में भी तो रोड़ हमारा आधा आबादी हमारा गांव से शहर में आके बैठा हुआ है, तो शहर में भी हम लोग को जगाने का काम कर रहे हैं। शहर में तो लोग जगे हुए, आप लोग रोड में भी प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, रोड में तो हम लोग किसी भी पब्लिक को तो हम लोग कुछ ये नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, सरकार उसका हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है, तो फिर दिक्कत क्या है? और अब तो आप लोग को मतलब गाने का और नाचने का है, लेकिन आप लोग बॉक्स वॉक्स लेकर पूरा घूम रहे हैं। हाँ तो अच्छा बॉक्स, जब वो लोग का एक प्रोग्राम छोटा सा था, छत में चार को चोंगा लगाता जय श्री राम जय श्री राम, ये हमारा डायरेक्ट उशू है, हम 80 गो स्पीकर रोड में रखेंगे। धन्यवाद दादा हमारे समझने के लिए। देखिए हमारे जो संस्कृति रीति रिवाज है जो चौड़ल को लेके हमारे दादा लोग आज ज़्यादा आधुनिकता के कारण कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति विलुप्ति के कगार पे जा रही है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी नहीं जान पा रही थी हमारी संस्कृति और सभ्यता क्या है। आज हमारी संस्कृति और सभ्यता की जानकारी देने के लिए एकदम बच्चा बच्चा आने वाले पीढ़ी तक जाने के लिए आज हम लोग रोड पर उतरे हैं, क्योंकि आज का जब हमारा संस्कृति गांव तक ही रह जा रहा है, शहर में विलुप्त होने के कगार पे था, तो गांव की संस्कृति और हमारी जो राड़ सभ्यता है उसको दिखाने के लिए आज हम लोग रोड पर उतरे हैं। धन्यवाद दादा। देखिए हमेशा हम लोग टुसू परब गांव देहात नदी नाला यही सब में देखे थे, लेकिन आज हमारे जेबीकेसेस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो की देन है, जो आज हमारा भाषा सभ्यता संस्कृति सब चीज़ आज हम लोग लोगों को दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी पहले जागरूक नहीं थे, लेकिन आज हम लोग जागरूक हुए हैं और ये जो भाषा संस्कृति आज हम लोग रोड पे देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो का ही देन है, जो आज हम लोग और कहीं ना कहीं आज लोग हम लोग यहाँ के तमाम जो झारखंडी लोग हैं इस चीज़ को संरक्षण के लिए आज हम लोग निकले हैं, अपना भाषा संस्कृति को कहीं ना कहीं आज लोग खोते चले गए, लोग शहरों में आ गए, अपने मैंने शहरी का कल्चर अपनाने लगे, कहीं ना कहीं भाषा कल्चर को भूलने लगे, तो आज कहीं ना कहीं ये जयराम महतो का ही देन है, जो आज भाषा सभ्यता संस्कृति आज रोड पे आया है, तमाम माताएं बहनें आज जागरूक होकर आज रोड पे आए हैं। धन्यवाद दादा, चलो समझ लेने होता है दहरे टुसू, दहरे टुसू का मतलब है होता है बाहर एक दहर बोला है, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ, अच्छा से कान में कुछ गूंज रहा है। अभी हमारे बीच कुछ दीदियाँ जुड़ चुकी है, चलिए दीदी लोग से बात करने का कोशिश करते हैं। दीदी लोग कैसा महसूस हो रहा है डहरे टुसू? बहुत अच्छा और गर्व महसूस हो रहा है हम लोग का। देखिए गांव में तो था ही डहरे टुसू, ये टुसू पर मनाते भी थे, तो धीरे धीरे शहरी लोग भी इसको भूलते जा रहे हैं, अपना संस्कृति को अपनी परंपरा सब जो अपना पर्व त्यौहार है सबको भूलते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग आज ये डहरे टुसू हम लोग कर रहे हैं जमशेदपुर में। तो मतलब रोड पे ही क्यों? रोड पे ही, रोड डहरे का मतलब ही रोड में करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ से आप लोग जब निकाले हैं कहाँ तक जाने का विचार है? उलियान से आम बागान तक। तो आप लोग उलियान से आम बागान तक जाएंगे? हाँ। उधर से घमारिया तक, घमारिया से कुछ लोग आ रहे हैं, मतलब हाँ। वहीं पे आप लोग जुड़े? हाँ हाँ, वहीं से हम लोग जुड़े। क्या कहेंगे दीदी आपको, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब ये हम लोग का सांस्कृतिक पर्व है, ये डायरेक्ट पहले किए थे क्या? नहीं, ये मेरा पहली बार है। पहली बार क्या कहेंगे दीदी? बहुत अच्छा लग रहा है, डरे शो जमशेदपुर में हो रहा है और ये नदी नाला में होता था पहले, इस बार मतलब अगले साल से ही हो रहा है, तो इस बार रोड में हो रहा है, ये प्रदर्शन है हम लोग का सांस्कृतिक का, वही दिखाना चाह रहे हैं सबको, बस धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद दीदी। सबूर कर तारा चिड़िया मुड़ी जगाड़ कर, चिड़िया मुड़ी जगाड़ कर, आश्चर्य मकर दो दिन सबूर कर। क्या कहेंगे भैया आप, डहरे टुसू पर रोड में निकाले हैं तो मतलब अभी टाटा में जगह नहीं है ना, रोडे में ठीक है, मतलब टाटा में कहाँ जगह है, सब तो घर बना दिया है, टाटा कंपनी सब घेर दिया है, तो कहाँ से होगा, रोडे में ना टुसू होगा, मतलब रोडे में निकाले, एकदम रोडे में होगा। तो देखिए अभी जिस तरह से आप लोग रोड पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे आने जाने वाले को थोड़ा बहुत आने जाने वाले को कोई दिक्कत नहीं हो रहा? एक दिन दिक्कत हो गई, टुसू पर्व है ना,
पर्व का दिक्कत होगा। हाँ उसमें वॉलंटियर है कोई, किसी का दिक्कत नहीं हो। विचार कैसे आया कि रोडे में टुसू पर्व करेंगे? यहाँ टाटा में जगह कहाँ, सब तो टाटा कंपनी घेर लिया, हमारे तो लोग का जगह, सब आदिवासी लोग का जगह। पहले नहीं होता था भैया, लेकिन अभी अभी चालू हो गया। पहले हम लोग ये नहीं था, पहले गाँव में होता था, अभी टाउन में कर दिया। तो मतलब कैसा लग रहा है जो इतना सारा अभी हर गांव से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो मतलब कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ जो आदमी टाउन में रहता है उन लोग को महसूस हो रहा है कि टुसू पर्व क्या है। तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं गांव से आए हुए हैं, और शहर में तो देख रहे हैं लोग निकल नहीं रहे हैं, तो मतलब वो लोग को क्या संदेश देना? नहीं, बहुत आदमी निकल रहे हैं, जितना हम लोग अपना आदमी है ना, सब निकल रहे हैं आदमी टुसू देखने के लिए। आदमी को महसूस हो रहा है कि टुसू क्या चीज़ है। मतलब इससे पहले तो ये लोग शायद टुसू पर्व नहीं किए होंगे गाँव में, शहर वाला? नहीं, पहले गाँव में होता था, अभी टाउन में चालू हो गया। ठीक है दादा, धन्यवाद दादा। आस्ते बचोर, अरे ना हले देखा जावे।